नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट बेताल्लुक में। मैं रवि तिवारी करंट अफेयर्स सेशन के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। आप जानते हैं कि सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आपके चयन में, और इसी क्रम में रटलो श्रृंखला लगातार आपको दी जाती है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति अलग है, वो व्याख्यात्मक प्रश्न उत्तर श्रृंखला है। जब हम किसी बैच को संस्था में संचालित करते हैं तो बैच के सभी सदस्यों के लिए हम करंट अफेयर्स की अलग से भी क्लास आपको देते हैं। उसी क्रम में करंट अफेयर्स के एपिसोड के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। करंट अफेयर्स की प्रवृत्ति को पहले हम समझने का प्रयास करते हैं। यदि हम किसी परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं तो लगभग जिस तारीख को वो परीक्षा है उसके 15 दिन पहले तक का और उससे पिछले 10 महीने तक का करंट अफेयर्स हमें तैयार करना होता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं एक परीक्षा जो आपकी आने वाली है 22 मार्च को, अगर मैं कहूं कि बीईओ का एग्जाम 22 मार्च को है, सभी परीक्षार्थी अपने हिसाब से इसका अंदाजा लगा लेंगे। मैं एक परीक्षा का उदाहरण दे रहा हूं, अगर बीईओ का एग्जाम 22 मार्च को है तो लगभग लगभग इसके 15 दिन पहले तक अगर हम लोग देखें तो हमें 5 मार्च, है ना, 5 मार्च तक का करंट तैयार करना है। और कब तक का? इससे 10 माह पहले तक का करंट तैयार करना है ना। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें यहां पर तो लगभग लगभग अगर हम जुलाई से इस करंट को तैयार करते हैं तो हम एकदम सुरक्षित स्थिति में होंगे। अगर हम 1 जुलाई से लेकर 5 मार्च तक का करंट तैयार कर लेते हैं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लगभग हमारे 9 महीने कंप्लीट यहां पर हो जाएंगे। और यही करंट में पिछले वर्षों में पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है। यहां पर हम करंट के प्रत्येक विषय को अलग अलग भागों के हिसाब से पढ़ेंगे। जैसे पुरस्कार जो आपके अवार्ड्स हैं, साल भर के अवार्ड्स पर मैं आपको एक कंप्लीट एपिसोड आज देने चल रहा हूं। इसी प्रकार अगला एपिसोड जो कल का होगा वो खेल से जुड़ा हुआ होगा, पुरस्कार खेल। फिर अगला एपिसोड जो होगा वो चर्चित स्थान और चर्चित व्यक्तियों से जुड़ा होगा। अगला एपिसोड जो होगा वो वन रिपोर्ट और जनसंख्या एवं नगरीकरण से जुड़ा हुआ होगा। उसके बाद का जो अगला एपिसोड होगा वो भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं से जुड़ा होगा, उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाओं से जुड़ा हुआ होगा, है ना। इसी क्रम में जो अगला एपिसोड होगा वो प्रमुख क्रांतियां, है ना, और प्रमुख जो सॉफ्टवेयर आपके हैं या प्रमुख ऐप या पोर्टल बने हैं उनसे जुड़ा। तो लगभग लगभग हम 8 से 10 एपिसोड के माध्यम से पूरे करंट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और सभी के नोट्स भी आपको मिलेंगे। जैसे यहां पे आप देख रहे हैं कि पुरस्कार है तो पूरे पुरस्कार एक ही नोट्स में आपको एक साथ मिलेंगे। आपको मैगजीन में ना तो कहीं खरीदने की जरूरत है ना ही अलग कहीं जाने की जरूरत है। सबसे ऊपर इंडेक्स है, 29वां सरस्वती सम्मान, प्रतिजकर पुरस्कार, रेमन मैक्सेसे पुरस्कार, मदर टेरेसा मेमोरियल प्राइज, दादा साहब के पुरस्कार, नोबल पुरस्कार, इसी प्रकार सभी पुरस्कारों के बारे में आपको यहां पे जानकारी दी गई है। क्लियर? और पुरस्कारों के बारे में जब यहां पे जानकारी दी गई है तो सभी पुरस्कार सीक्वेंस में आपके लिखे गए हैं। मैंने आपसे कहा कि 10 महीने का करंट आपके लिए आवश्यक होता है, लेकिन कई ऐसे पुरस्कार होते हैं कि जो डिले होते हैं वो 2 वर्षों में एक बार दिए जा रहे हैं, या जब तक अगले उस पुरस्कार की घोषणा नहीं होती तब तक पिछला जो पुरस्कार दिया गया है वो आपके लिए समान रूप से उपयोगी होता है, भले वो 10 माह से पुराना ही क्यों ना हो जाए, है ना। जैसे मान लीजिए नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो गई तो अगले नोबेल पुरस्कार जब तक नहीं दिए जाएंगे तब तक जो नोबेल पुरस्कार आपके घोषित हो चुके हैं भले वो 10 महीने की अवधि को पार कर चुके हों लेकिन वो आपके लिए समान रूप से उपयोगी होंगे। तो उम्मीद है कि यह श्रृंखला आपके लिए बहुत परीक्षा उपयोगी साबित होगी और आप सभी लोग जो आपकी परीक्षा की अंतिम तैयारी के दौर में है वहां पर ये बहुत ही नोट्स आपके लिए सहायक होंगे। इसी उम्मीद के साथ आइए मैं प्रारंभ करता हूं इस सेशन को। तो आइए पुरस्कारों से हम लोग इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जो पहला पुरस्कार है 29वां सरस्वती सम्मान। देखिए जब हम इस पुरस्कार को देखते हैं तो हमें इसमें 2 चीजें याद रखनी होती हैं। एक तो हमें यहां पर क्रम याद रखना है ना, और एक व्यक्ति याद रखना है और उस व्यक्ति से संबंधित जो रचना है वो याद रखनी है। तीनों ही चीजें आपके लिए अवश्य है। क्रम हमें क्यों याद रखना है? क्योंकि कभी कभी ये प्रश्न हमसे क्रम से पूछा जाता है, 29वां, 28वां, कभी कभी ये प्रश्न हमसे सन से पूछा जाता है, सन के हिसाब से, और उस व्यक्ति की जिस रचना को यह पुरस्कार दिया गया हो वह रचना या वह कृति या उस पुस्तक का नाम उस वर्ष के करंट अफेयर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे यहां पर मान लीजिए लिखा है 29वां किसको मिला, तो आप कहेंगे वासुदेव मोही को। किसको मिला? वासुदेव मोही को।
अब ये सिंधी साहित्यकार है और ये किसके लिए मिला, लघु कथा चेकबुक के लिए मिला। तो अब चेकबुक अगर किसकी रचना है आपसे पूछा जाए तो वासुदेव मोही की। वासुदेव मोही व्यक्ति विशेष में भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जब व्यक्ति विशेष पढ़ेंगे तो वासुदेव मोही क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उनको 29वां सरस्वती सम्मान मिला है 2019 के लिए। अब कभी कभी एक साल पहले का भी पूछ लिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए। तो 2028 का ये जो सम्मान मिला है किसको मिला है, शिवा रेड्डी को। किसको मिला, शिवा रेड्डी को। ये तेलुगु कवि है, कहा के तेलुगु कवि हैं, और इनकी जो रचना है कविता संग्रह का पक्की ओत्तो गिलते, क्या है, पक्की ओत्तो गिलते इनकी रचना है। यहां पर क्लियर है। दूसरा पुरस्कार है प्रीतिजिगर पुरस्कार। देखिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं, यहां पर दो पुरस्कार एक तरीके से, एक तो है पुलित्जर पुरस्कार, तो यहां पे इसमें अंतर है ना। जो पुलित्जर पुरस्कार है आपका, पुलित्जर अलग है, प्रीतिजिगर अलग है। प्रीतिजिगर पुरस्कार जो है ये किस चीज के लिए दिया जाता है, आर्किटेक्ट के लिए दिया जाता है, आर्किटेक्ट के लिए दिया जाता है। और पुलित्जर जो पुरस्कार है इनकी श्रेणी अलग है, इस पर अभी हम लोग बात करेंगे, ये अभी यहां पे हम लोगों को नहीं लेना है। हम लोग बात करना है प्रीतिजिगर पुरस्कार की। कभी कभी हम क्या करते हैं कि सामान्यीकृत कर लेते हैं दोनों ही नामों को, और सामान्यीकृत करने के चक्कर में हम इसको गलत कर देते हैं। प्रीतिजिगर पुरस्कार जो होता है वो आर्किटेक्ट के लिए दिया जाता है, वास्तुकला के लिए दिया जाता है ना। तो यहां पर देखिए 5 मार्च 2019 को जापान के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट अराता इसोजाकी को, किसको दिया गया, अराता इसोजाकी को वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित आर्किटेक्ट पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। यह आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इससे पहले पुरस्कार भारत के बालकृष्णन दोषी जी को दिया गया था, है ना, वी कृष्णन दोषी जी को दिया गया था, जो भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट। क्लियर। इस बार का यह पुरस्कार किसको दिया गया है बताइए, जापान के, हाँ, अराता इसोजाकी को दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रीतिजिगर पुरस्कार किससे संबंधित है तो आप कहेंगे आर्किटेक्ट से संबंधित है। किससे संबंधित है, आर्किटेक्ट से संबंधित है, कला वास्तु, वास्तुकला से भी संबंधित है, आर्किटेक्ट से भी संबंधित है। क्लियर। आइए तीसरा है आपका, हाँ, अब देखिए इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसे आर्किटेक्चर का नोबेल भी कहा जाता है ना, इसे आर्किटेक्चर का नोबेल भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आर्किटेक्ट के मामले में सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो इसे आर्किटेक्ट का नोबेल भी कहा जाता है। आइए तीसरा पुरस्कार यहां पर जो आपका है वो पुरस्कार है रेमन मैक्सेसे पुरस्कार। अभी मैं इसी की बात कर रहा था आपसे जब मेरे मुंह से रवीश कुमार का नाम निकला था, क्योंकि वो जस्टिस के बाद था, है ना। 2 अगस्त 2019 को एशिया के नोबेल पुरस्कार नाम से प्रसिद्ध है ना, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, प्रसिद्ध क्षमा करेगा, रेमन मैक्सेसे पुरस्कार 2019 के विजेताओं की घोषणा की गई। इस बार से पुरस्कार एक भारतीय सहित कुल 5 व्यक्तियों को मिला। तो कुल कितने व्यक्तियों को मिला, 5 को, जिसमें एक भारतीय भी है, जो कौन है, रवीश कुमार। इनके अगर हम लोग नाम देखें तो इनके नाम भी यहां पर दिए गए हैं, रवीश कुमार भारत से है, हाँ, और जो रेमुंडो पुंजाते केवियाप ये फिलीपींस से है, किम जोंग की ये दक्षिण कोरिया से है, हाँ, को सिवे विन ये म्यांमार से है, और अंखाना नील पाए जीत ये थाईलैंड से है। देखिए जब कोई पुरस्कार 4, 5 या 6 की संख्या में या 3 की संख्या में दिए जाते हैं तो यहां से कूट से संबंधित प्रश्न आपसे बनते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 4 नाम लिख दूं और कह दूं निम्न में से कौन ऐसा है जिसे रेमन मैक्सेसे पुरस्कार नहीं दिया गया, है ना, या तो 4 नाम लिख दूं और इनमें से एक नाम लिख दूं और मैं आपसे कह दूं कि निम्न में से कौन है जिसे रेमन मैक्सेसे पुरस्कार दिया गया। तो ऐसी प्रवृत्ति पे कि जब पुरस्कार लिए जाने वालों की संख्या, पुरस्कार दिए जाने वालों की संख्या 4, 5 या 6 के क्रम में हो, 3 के क्रम में हो, तो एक बार हमें सभी नामों को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि कूट में जब ये आएगा तो हो सकता है ये प्रश्न आपसे गलत हो जाए। तो यहां पर हाँ, रवीश कुमार को भारत की तरफ से मिला है और इसके अलावा इन 4 व्यक्तियों को और मिला है, यह भी आपको यहां पे क्या करना है, देखना है। आइए अगले पुरस्कार की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला पुरस्कार है आपका यहां पे, ये रवीश कुमार के बारे में कुछ जानकारी है। इस बार उपयुक्त विजेताओं में भारत के प्रसिद्ध पत्रकार एवं एनडीटीवी इंडिया के मैनेजिंग एडिटर रवीश कुमार को आवाजहीन को है ना आवाज देने के लिए पत्रकारिता का किस विषय पर दिया, आवाजहीन को आवाज देने के लिए सारा देने के लिए, हाँ, हेतु पुरस्कृत किया जाएगा, है ना। तो ये पुरस्कार उनको प्रदान किया गया रवीश कुमार को। अगले पुरस्कार की तरफ चलते हैं।
मदर टेरेसा मेमोरियल प्राइज, देखिए हार्मोनी फाउंडेशन का पुरस्कार है और ये सोशल वर्क के लिए दिया जाता है ना। तो इस हार्मोनी फाउंडेशन का ये पुरस्कार सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस के लिए दिया गया, किसको? अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को। अब जैसे मान लीजिए 2017 का पुरस्कार है आपके लिए क्यों जरूरी है, जब तक इसके अगले क्रम की घोषणा न की जाए हार्मोनी फाउंडेशन द्वारा, जब तक ये 2017 का ही पुरस्कार आपके लिए समान महत्व का बना रहेगा, महत्वपूर्ण बना रहेगा, है ना। तो ये पुरस्कार किसको दिया गया? इस पुरस्कार को दिया गया सामाजिक न्याय के लिए प्रियंका चोपड़ा को, है ना, सामाजिक मुद्दों में समर्थन के लिए। तो मदर टेरेसा मेमोरियल जो पुरस्कार है किस चीज के लिए दिया जाता है? सोशल वर्क के लिए दिया जाता है। आइए प्रियंका चोपड़ा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018, है ना, देखिए तो हाँ 50वां, अगर हम लोग देखें 50वां तो यहीं पे हम लोगों को याद रखना है। 49वां जो दिया गया था वो विनोद खन्ना जी को दिया गया था। किसको? विनोद खन्ना। हाँ, भारतीय फिल्मों में, भारतीय कला में, भारतीय फिल्मों की कला में ये सर्वश्रेष्ठ जो है पुरस्कार है जो आपको दिया जाता है। तो विनोद खन्ना जी को ये 49वां जब दिया गया था तो ये मरणोपरांत दिया गया था। इस बार जिस पुरस्कार की घोषणा की गई है कि 2018 का 50वां है और ये अमिताभ बच्चन जी को, प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता अमिताभ बच्चन जी को ये पुरस्कार दिया गया, उसी के बारे में डिटेल पूरा आपको नीचे दिया गया है। और यहां पर लिखा भी था कि 3 मई 2018 को जो पुरस्कार मिला था वो किसको प्रदान किया गया था? विनोद खन्ना जी को किया गया था। भारत में सिनेमा के क्षेत्र में समग्र योगदान के लिए दिया जाने वाला है सर्वोच्च पुरस्कार है, है ना, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो इससे पहले वाला मिला था विनोद खन्ना जी को और इस बार का मिला है अमिताभ बच्चन जी को। आइए बात करते हैं, अगला पुरस्कार है आपका नोबेल पुरस्कार 2019। देखिए जब भी हम नोबेल पुरस्कारों की बात करते हैं तो यहां से 3 जानकारियां आप लोगों से निश्चित रूप से पूछी जाती हैं। सबसे पहली जानकारी जो आपकी पूछी जाती है कि विषय क्या है, दूसरी जानकारी जो आपको पूछी जाती है कि किसको मिला, है ना, व्यक्ति कौन है, विषय और व्यक्ति, है ना, क्षेत्र सिद्ध के नाम से तो आपसे पूछा ही जाता है कि चिकित्सा विज्ञान। तो 3 चीजें आपको यहां पर मेमोराइज रखनी है कि किस किस व्यक्ति कौन किससे संबंधित है, उस व्यक्ति को किस विषय की खोज के लिए रिसर्च के लिए मिला है और उस व्यक्ति का नाम क्या है। ये 3 ही चीजें हमसे नोबेल में यहां पे पूछी जाती हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं 2019 में चिकित्सा विज्ञान के लिए। तो चिकित्सा विज्ञान का सबसे पहले मैंने विषय लिखा है, फिर व्यक्तियों के नाम लिखे हैं, है ना। ऑक्सीजन की उपलब्धता को मानव कोशिकाएं महसूस करती है व उनके अनुकूल बनाती है, इसके लिए विलियम जी कुलिन जूनियर यूएसए के हैं, ग्रेग सेमेंजा और पीटर जे रेड क्लिप को दिया गया, 3 व्यक्तियों को दिया गया। इन 3 ही व्यक्तियों के नाम यहां पर है और विषय का नाम आपका यहां पर है। अगर हम लोग यहां पर देखें कि भौतिक विज्ञान का किसको दिया गया, तो सबसे पहले विषय देख लीजिए, ब्रह्मांड विज्ञान पर नए सिद्धांत सौरमंडल से परे और ग्रह खोजने के लिए जेम्स पॉवेल को दिया गया, अमेरिका के हैं, मिसल मेयर को दिया गया स्विट्जरलैंड के, और डिडियर केलोच को दिया गया जो स्विट्जरलैंड के हैं। क्लियर है? आइए देखिए सबसे ज्यादा जरूरी आज तक अगर हम बारंबारता देखें परीक्षाओं में कि जो पुरस्कार आप लोगों से पूछे गए हैं उनकी बारंबारता के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है शांति के लिए, साहित्य के लिए और अर्थशास्त्र के लिए। आपके देश और प्रदेश की जो भी परीक्षा नहीं है उसमें शांति साहित्य और अर्थशास्त्र के लिए आज तक जो नोबेल पूछे गए हैं उनकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो आपको भी इन्हीं 3 क्षेत्रों को याद रखना है। दूसरा, याद करने का तरीका आपका क्या होना चाहिए कि हम विषय लिख लें और विषय लिखने के बाद उसके सामने उनके नाम लिख लें और हम ये लिख लें कि किस विषय के लिए दिया गया। हम 3-4 दिन उनको लगातार देखें तो वो स्मृति चिन्ह हमारे मन मस्तिष्क में परिपक्व हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं और हम उन पुरस्कारों को फिर भूलते नहीं है। इसके बाद अगर हम तीसरा देखें तो देखिए रसायन विज्ञान के लिए, है ना, रसायन विज्ञान के लिए लिथियम आयन बैटरी विकसित करने के लिए जॉन बी गुडनेफ अमेरिका, स्टेनली विटम तथा अकीरा योशिनो जापान को दिया गया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जॉन बी गुड इनफ साहब जो है ये 97 ईयर्स ओल्ड के हैं, 97 वर्ष के हैं, ये अमेरिका के हैं और ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले अब तक के सबसे बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं या सबसे वृद्ध व्यक्ति हैं जिनको इस उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। क्लियर? आइए अगला पुरस्कार है आपका शांति के लिए, है ना, अंतरराष्ट्रीय शांति और सहयोग में उनके प्रयासों और खासकर शत्रु देश इरिट्रिया के साथ शांति स्थापित करने के लिए
अबी अहमद अली है ना, अबी अहमद अली इथियोपिया के प्रधानमंत्री है, इनको ये पुरस्कार दिया गया है ना, तो शांति के लिए इनको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, इथियोपिया के प्रधानमंत्री को। और पांचवा आपका है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में चूंकि भारतीय मूल के भी हैं, पति पत्नी है, वैश्विक गरीबी को कम करने हेतु उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए अभिजीत बनर्जी, ये बंगाली मूल के हैं भारत के, एस्थर डोल्फो फ्रांस तथा माइकल क्रेमर अमेरिका को दिया गया। तो ये अर्थशास्त्र का नोबेल है आपका। यहां पर छठ साहित्य के लिए, आप जानते हैं कि 2018 में साहित्य के नोबेल की घोषणा नहीं की गई थी है ना, तो 2019 में दो नोबेल की घोषणा की गई है साहित्य के लिए, 2018 की भी घोषणा की गई है और 2019 की भी घोषणा की गई। तो यहां पे क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे पूछा जाए 2019 का साहित्य का नोबेल, क्योंकि दोनों ही पुरस्कार एक साथ घोषित किए हैं, मानव अनुभव की परिधि और विशिष्टता को भाषाई सरलता के जरिए खोजने के कार्य हेतु पीटर हैंड के, ऑस्ट्रिय मूल के हैं, इनको दिया गया। और वर्ष 2018 का साहित्य का नोबेल ओल्गा ताकाजुर को, ये पोलैंड की हैं, इनको दिया गया। तो 2018 का इनको दिया गया और 19 का पीटर हैंडके को दिया गया। ये दोनों अंतर आपको स्पष्ट रूप से यहां पे याद रखने हैं। आइए अगला है आपका सातवां, फीफा फुटबॉल अवार्ड्स। ठीक है, एक नजर में याद करिएगा, गोल्डन बॉल लुका मैड्रिक को दिया गया, क्रोशिया के हैं, सबसेट का। गोल्डन शू जो दिया गया, हैरी केन को दिया गया, इन्होंने 6 गोल किए, इंग्लैंड के हैं। गोल्डन ग्लव जो दिया गया, तिबोट कॉर्टियस को दिया गया, बेल्जियम के हैं है ना। युवा खिलाड़ी का पुरस्कार केलियन मवापे को दिया गया, मैन ऑफ द मैच एंटोनी ग्रिजमान को दिया गया, और फेयर प्ले अवार्ड स्पेन की टीम को दिया गया। फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप के पूरे वर्ल्ड कप के बारे में कितनी टीमें थी, कुल 32 टीमें, कितने भागों में बांटा गया था, 8 भागों में, कौन सी टीमें पहली बार खेल रही थी, किस किस के बीच फाइनल हुआ, सारी जानकारी वहां पर खेल पर करेंगे। चूंकि यहां पे पुरस्कारों की बात कर रहे हैं, तो पुरस्कारों की बात में ध्यान रखिएगा कि फीफा फुटबॉल जो आपके अवार्ड्स हैं वो इन लोगों को इस वर्ष के लिए दिए गए हैं। दो बार आपको रीड करना है, क्योंकि पूछे भी गए हैं, कभी कभी पूछ भी लिया। पहला गांधी मेडल शांति पुरस्कार 2019 है ना, 11 जुलाई 2019 को नई दिल्ली में पहली बार ये पुरस्कार दिया गया। गांधी मंडेला, नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी दोनों लगभग एक ही विषयों पर कार्य किए हैं, एक ही तरह से उनका संघर्ष रहा है, और दक्षिण अफ्रीका और भारत के रिश्तों को मजबूत आधार बनाकर इस पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो पहला गांधी मंडेला शांति पुरस्कार 11 जुलाई 2019 को नई दिल्ली में दिया गया, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दक्षिण अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला के प्रेरणादायी जीवन से लोगों को रूबरू कराने के लिए भारत में बिलीफ फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर अनुराग बत्रा और दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर रमन भाई पटेल फाउंडेशन से जुड़ी अभिनेत्री तरीन पटेल ने मिलकर इस पुरस्कार की शुरुआत की है। और यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं, सामाजिक प्रभाव के लिए। तो सामाजिक प्रभाव के लिए जो पुरस्कार दिया गया, डॉक्टर अच्युता सामंता को दिया गया है ना। ये कहां के संस्थापक है, KIIT और कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है ना। पर्यावरण के लिए वरिष्ठ IPS अधिकारी और उत्तर प्रदेश के DGP महेंद्र मोदी जी को दिया गया, और युवा सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तर प्रदेश में हापुड़ जिले के एक्शन इंडिया संस्था की सबाना खाम स्नेहा और सुमन जी को दिया गया। तो 3 विषयों पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं, और तीनों विषयों के अलग अलग नाम है। 2 तरीके से इसको आपको देखना है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है इसलिए इसको आपको याद रखना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश विशेष में भी यह पुरस्कार आपके काम आएगा है ना, उत्तर प्रदेश विशेष में भी यह पुरस्कार आपके काम आएगा, तो इसको आपको यहां पे याद रखना है। आगे देखते हैं, मिस वर्ल्ड 2019, लंदन में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 69वां संस्करण जमैका की टोनी एन सिंह को मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता। इस प्रतियोगिता में फ्रांस की ओपेली मेजनी दूसरे और भारत की सुमन राव तीसरे स्थान पर रही। तो भारत थर्ड रनर अप जो रही, भारत की सुमन राव रही, इनका भी याद रखना है। और किसको मिला, जमैका की टोनी एन सिंह को। कहां आयोजित हुआ था, लंदन में, और क्रम में कौन सा था, 69वां क्रम में कौन सा था, 69वां था। आइए मिस यूनिवर्स 2019 अमेरिका के अटलांटा में दक्षिण अफ्रीका की जोजी विनी टूंजी ने 2019 में 68वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। आइए कुछ फैक्चुअल है आप देखते चलिए। पहला जॉर्ज डब्ल्यू एस पुरस्कार है ना, 12 जून को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर को पहले जॉर्ज डब्ल्यू एस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसका विषय ही अलग है,
जॉर्ज डब्ल्यू एफ पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाए किस विषय के लिए दिया जाता है, तो इसका विषय ही अलग है, मैं यहां पर चर्चा कर देता हूं। यहां पर इन्हें अमेरिका और चीन के प्रगाढ़ संबंधों में इनके अतुलनीय योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, यह पुरस्कार अमेरिका और चीन के संबंधों में ही जिन्होंने अतुलनीय योगदान दिया उनको ही पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, यही इस पुरस्कार का विषय है। क्लियर, क्लियर। यह पुरस्कार उन लोगों के लिए है जिन्होंने अमेरिका और चीन के बीच सकारात्मक तथा पारस्परिक लाभकारी संबंधों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन्हीं के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर। सासाकावा पुरस्कार 2019, 16 मई 2019 है ना, संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय ने प्रधानमंत्री के सचिव डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को सासाकावा पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार उन्हें आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए दिया गया, तो यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है और पिछले वर्ष एक परीक्षा में पूछा भी जा चुका है सासाकावा पुरस्कार 2019। आइए वैश्विक शिक्षक पुरस्कार, शिक्षा से संबंधित दो पुरस्कार दिए जाते हैं, एक तो एविल पुरस्कार वो गणित से संबंधित होता है, ये आपका क्या है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार। क्या लिखा है, 23 मार्च 2019 को वार्की फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए जाने वाले वैश्विक शिक्षा पुरस्कार 2019 की घोषणा में आयोजित की गई ग्लोबल स्पर्श पुरस्कार केन्या के विज्ञान शिक्षक पीटर तबीची को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पूरे विश्व में पुरस्कार मिला पीटर तबीची, कहां के हैं, केन्या के हैं। शिक्षा से संबंधित दो पुरस्कार हैं, एक तो एविल और एक तो क्या है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार। आइए एविल पुरस्कार मैं आपको बता ही रहा था, देखिए यह गणित के लिए दिया जाता है ना, और 2019 का एविल पुरस्कार अमरीकी गणितज्ञ कैरन ओहलेन बेक को दिया गया। किसको, कैरन ओहलेन बेक को दिया गया। आइए रेड एंक पुरस्कार है ना, देखिए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर रेड एंक पुरस्कार किससे संबंधित है, जर्नलिस्ट से संबंधित है, द ट्रिब्यून न्यूज सर्विस की रचना खेरा को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और आधार डाटा के कैश कामकाज के खुलासे के लिए दिया गया था। आइए गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार, देखिए हाँ 29 अप्रैल 2019 के जमीनी स्तर के 6 पर्यावरणीय कार्यकर्ताओं को प्रतिष्ठित गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है ना, और 6 लोगों के नाम यहां पर लिखे गए हैं। आप देखिए, देखिए ग्रीन नोबेल के रूप में जाना जाने वाला गोल्डन मैन पुरस्कार 6 महाद्वीपीय क्षेत्रों में से प्रत्येक यूरोप, एशिया, अफ्रीका, मध्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका और द्वीपों तथा द्वीप देशों के पर्यावरण कार्यकर्ताओं को दिया जाता है, और ये 6 पुरस्कार सम्मानित व्यक्तियों के नाम यहां पर लिखे गए हैं। चूंकि ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, एक एक बात को आपको अंडरलाइन करके एक बात पढ़ना है, नोट्स में आपको यहां पर भेज रहा हूं। तंबाकू नियंत्रण के लिए WHO का पुरस्कार 2019, कुछ पुरस्कारों पर मैं आपसे चर्चा भी करता चल रहा हूं जो आपके लिए अत्यंत उपयोगी है ना। हाँ 2019 को राजस्थान राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को तंबाकू नियंत्रण क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए तंबाकू नियंत्रण का WHO का पुरस्कार दिया गया। WHO ने राजस्थान राज्य को तंबाकू नियंत्रण में प्रयास के लिए उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कृत किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि WHO द्वारा कौन सा भारतीय राज्य तंबाकू नियंत्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ रूप से पुरस्कृत किया गया, तो आपका उत्तर क्या होगा, राजस्थान होगा। क्लियर है। आइए अगला पुरस्कार है आपका अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अमेरिका के गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स को प्रदान किया गया। क्लियर। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है, अप्रैल 2000 में दुबई में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति पुरस्कार वितरण किए, और इस बार संगीत और कला में मास्टर शास्त्री नेत्रांगना सुचेता भिंडे चापेकर को दिया गया, सुचेता भिंडे चापेकर को प्रदान किया गया। देखिए आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विभिन्न देशों के द्वारा पुरस्कार मिला है ना, तो मोदी जी से संबंधित पुरस्कार आपको पूछे जाते हैं, तो मैंने मोदी जी से संबंधित 7 पुरस्कारों को एक साथ इकट्ठा कर दिया है। आपको केवल ग्राफ लगा के अंडरलाइन पढ़ा के पढ़ना है, जैसे ऑर्डर ऑफ द डिस्विंस रूल ऑफ निशान इजुद्दीन किस देश ने दिया, मालदीप ने। क्लियर। और ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल
देश रूस है ना, जायद मेडल देश यूएई ने दिया है ना, सियोल ऑफ द अर्थ अवार्ड सियोल पीस प्राइज कमिटी ने दिया, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, जितने अवार्ड आपके मोदी जी को आज तक मिले हैं प्रधानमंत्री जी को, सब एक जगह एकत्रित हैं 2020 तक के, और निश्चित इसमें से एक प्रश्न आपका बनता ही बनता है, क्लियर। तो यहां पे आपको इसको भी देखना है, क्लियर है। हाँ, सारे पुरस्कार के पद्म पुरस्कार 2020, अब ये 26 जनवरी की बात है। देखिए, पद्म पुरस्कारों में आप जानते हैं कि जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, वो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार आपका होता है भारत रत्न, भारत रत्न है ना। भारत रत्न के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो होता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। इसके बाद जो पुरस्कार होता है वो होता है आपका पद्म भूषण, और फिर होता है पद्म श्री, पद्म श्री। ये आपका क्रम है पुरस्कारों का, है ना। अब यहां पर जो पुरस्कार आपको पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं उसमें पहला तो सबसे पहले जो आपसे पूछा जाता है संख्या, कि कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया, तो 141 व्यक्तियों को दिया गया है ना। अब 141 का डिस्ट्रीब्यूशन आपसे पूछा जा सकता है कूट में, है ना। तो कितने लोगों को, तो 7 लोगों को पद्म विभूषण, 16 को पद्म भूषण और 114 को पद्म श्री दिया गया, क्लियर। ये चीज आपको यहां पर क्लियर हो गई। अब जो पद्म विभूषण दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसके बारे में आपको हमेशा इन व्यक्तियों के नाम याद रखना है, क्योंकि यहां पर हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये 7 व्यक्तियों के नाम आपको दिए गए हैं, जॉर्ज फर्नांडिस जी को, अरुण जेटली जी को, अनिरुद्ध जगन्नाथ जी को, एमसी मैरीकॉम को, छन्नूलाल मिश्र को और सुषमा स्वराज जी को दिया गया, जिसमें से 3 लोगों को मरणोपरांत दिया गया, 3 नेता है जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज, क्लियर है। भारत रत्न, अब सर्वोच्च पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें भारत रत्न, तो इस बार के भारत रत्न पुरस्कारों की घोषणा अभी नहीं हुई है। पिछली बार के भारत रत्न जो पुरस्कार थे वो 3 लोगों को प्रदान किए गए ना, तो क्या नानाजी देशमुख मरणोपरांत, डॉक्टर भूपेन हजारिका और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को देश के भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनके बारे में जानकारी है। सुगम मतदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार है ना। देखिए, राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2018 में दिव्यांग जनों के लिए बेहतरीन काम करने के लिए तत्कालीन अजमेर की निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा जी को राष्ट्रपति द्वारा सुगम मतदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। तो सुगम मतदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार आरती डोगरा जी को दिया गया, किस कैडर की है, राजस्थान, और कहां की थी, अजमेर में, है ना। क्या किया था इन्होंने, इन्होंने दिव्यांग जनों के लिए बेहतरीन काम किया था, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। हाँ, गांधी शांति पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा, अब गांधी शांति पुरस्कार जो आपका शुरू हुआ है ना, ये इंदिरा गांधी जी के नाम पर शुरू हुआ है, क्लियर है, यहां पे लिखा भी है। तो 2019 में पहले तो 2015 से लेकर 2018 तक के गांधी पुरस्कार विजेताओं की घोषणा एक साथ की गई 3 साल की, क्लियर। और इसके बाद अब इस वर्ष का भी गांधी पुरस्कार जो है वितरित किया जा चुका है। तो आपको देखिए याद रखना है केवल 2019 का, ये अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार जो 2019 का दिया गया, ये दिया गया एन एस धर्म सक्तु को, क्या, एन एस धर्म सक्तु को, एन एस धर्म सक्तु को दिया गया, क्लियर है। आइए, लोक प्रशासन प्रबंधन तथा अकादमिक उत्कृष्टता के लिए लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किसको दिया गया, हाँ, लोक 18 प्रसिद्ध विधिवेत्ता फाली एस नरीमन को, प्रसिद्ध विधिवेत्ता किसको, फाली एस नरीमन को प्रदान किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2019 शीर्ष रैंक प्राप्त राज्य कौन सा है, तमिलनाडु, यह अभी दिया गया है कुछ दिन पहले, और जिला कौन सा है, पोणापल्ली तमिलनाडु, है ना। हाँ, जिला किस जिले को मिला है, पोणापल्ली तमिलनाडु, और राज्य कौन सा है आपका, तमिलनाडु है, ये आप याद रखिएगा, क्लियर है। आइए, सियोल शांति पुरस्कार 2018 22 फरवरी 2019 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान के लिए दिया गया। मोदी इस पुरस्कार को पाने वाले भारत के पहले व विश्व के 14वें व्यक्ति हैं, क्लियर है। ट्यूरिंग पुरस्कार 27 मार्च 2019 को मशीनों को मानवीय मस्तिष्क की क्षमता के लिए तकनीकी का नोबेल माना जाने वाला ट्यूरिंग पुरस्कार योशुओ वेंजियो, जेफरी हिंटन और
यानली चुन को दिया गया। क्लियर है? हाँ। ट्यूरिंग पुरस्कार किसको दिया जाता है? मानवीय मस्तिष्क क्षमता मशीनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तकनीकी का नोबेल इसको माना जाता है, और तीन व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। आपको इस पुरस्कार को केवल मेमोराइज करना है, अच्छे से एक बार पढ़ना है सभी पुरस्कारों को, है ना। देखिए सभी में से सभी जरूरी नहीं होते, लेकिन एग्जामिनर के दिमाग को हम लोग समझ नहीं सकते कि कौन सा एग्जामिनर का दिमाग सही है, तो उस हिसाब से हमें उसको देखना है ना। देखिए ये पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण, ग्लोबल फ्यूचर ऑफ द नेचर अवार्ड 21 फरवरी 2019 को अशोका विश्वविद्यालय की प्रोफेसर दिव्या कर्नाट को समुद्री कछुआ के संरक्षण के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्लियर है? साहित्य एवं पत्रकारिता 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, है ना, 14 दिसंबर 2000 ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित होने वाले अमिताभ घोष अंग्रेजी भाषा के पहले सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ इनको दिया गया। और मैं आपको बता दूं 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया जा चुका है। हाँ 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अक्कीथम अच्युतन नंबूदरी ये मलयाली कवि हैं, इनको 2019 का 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में। 28वां 29वां व्यास सम्मान यहां पे इकट्ठा देख लेते हैं। 29वां व्यास सम्मान नासिरा शर्मा उपन्यास कागज के नाव के लिए। क्लियर है? 14 मार्च 2019 को के बिरला फाउंडेशन का व्यास सम्मान हिंदी के साहित्यकार लीलाधर जगड़ी को उनके काव्य संग्रह कितने लोग उतने प्रेम के लिए घोषणा की गई। 1991 में शुरू हुए सम्मान को मतलब ये उनका परिचय दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 साहित्य अकादमी द्वारा 23 भाषाओं में कविता की 7 पुस्तकों 4 उपन्यासों 6 लघु कथाओं और 1 काल्पनिक उपन्यास के लिए पुरस्कार दिए गए। क्लियर? आपको केवल हिंदी और अंग्रेजी का बस याद रखना है साहित्य अकादमी। तो हिंदी के लिए दिया गया नंदकिशोर आचार्य को छिलते हुए अपने को कविता के लिए, और अंग्रेजी के लिए शशि थरूर को दिया गया एन एरा ऑफ डार्कनेस। आपको केवल दो ही भाषाओं के याद रखने हैं। मैन बुकर 2019 कनाडा की मार्गेट एडवुड को धन की रचना द टेस्टामेंट के लिए, नाइजीरिया की वर्नाड एंड एवरेस्टो को उनकी रचना गर्ल वुमेन अदर के लिए साहित्य पुरस्कार द बुकर प्राइज 2019 संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। 2019 नीचे लिखा है किस किस चीज के लिए दिया गया। हाँ मार्गरेट एटवुड को कनाडा की कृति द टेस्टामेंट, और बर्नाड एंड एवरेस्टो नाइजीरिया कृति गर्ल द वुमेन द अदर। क्लियर? आइए 2018 का दिया गया एन्ना वंश का पुराना हो चुका है, कोई जरूरत नहीं है। और मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2019 किसको दिया गया? माइकल कनाडा, ये दिया गया इंग्लिश पेशेंट के लिए मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2019। ओमान की लेखक जोखा अलहारती को पुस्तक सेलेस्टियल बॉडीज के लिए दिया गया। क्लियर है भाई? तो ये आपका दिया गया 2019 का यहां पर क्या है मैन बुकर। क्लियर भाई? पुलित्जर पुरस्कार जिनकी चर्चा हम लोग शुरुआत में कर रहे थे, है ना, ये क्या पत्रकारिता के लिए 14 साहित्य नाटक श्रेणी सभी के लिए दिया गया है ना पुलित्जर। लोक सेवा के लिए किसको दिया गया? ये सब कुछ लिखा है 5-6 भागों में दिए जाते हैं। क्लियर? आपको केवल अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग का और फीचर लेखन का याद रखना है जो यहां पे नीचे लिखा है। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है द एसोसिएटेड प्रेस के मैगी माइकल को, मार्ट अल जुर्की को और ननीमन अल मुफ्ती को। फीचर लेखन के लिए लिखा है प्रॉपर पब्लिका के छत्तर डेयर। देखिए ये पुरस्कार जो पुलित्जर है केवल आपसे इससे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन किससे संबंधित है ना, इसकी अलग अलग श्रेणियां। जैसे पत्रकारिता का आपको लोक सेवा के लिए किसको दिया गया? साउथ फ्लोरिडा सन सेंटिनल के स्टाफ को। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग किसको दिया गया? द पीटर्सबर्ग पोस्ट गजेट के स्टाफ को। खोजी रिपोर्टिंग के लिए दिया गया लॉस एंजलिस टाइम्स के मैट हैमिल्टन, हैरियर रयान और पॉल प्रिंगल को, है ना। आइए फिल्म पुरस्कार 66वां फिल्म पुरस्कार, है ना, सबसे अच्छी फिल्म सबसे फीचर फिल्म 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 ध्यान दीजिएगा। क्लियर? सबसे फिल्म हेलारो गुजराती निर्देशन अभिषेक शाह ने किया इसको। सबसे हिंदी फिल्म अंधाधुन। सर्वश्रेष्ठ पॉपुलर फिल्म बधाई हो। सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पैडमैन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आयुष्मान खुराना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महंती तेलुगु। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक उरीदर सर्जिकल स्ट्राइक। 64वां फिल्म पेयर अवार्ड 2019, है ना, सर्वश्रेष्ठ फिल्म राजी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राजी, मेघना गुलजार। क्लियर? 92वां ऑस्कर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म पैरासाइट, है ना, पुरस्कृत व्यक्ति। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पैरासाइट वांजु, ये सब फिल्म पुरस्कार है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एक बार आपको देखना है। 77वां गोल्डन ग्लोब वो भी फिल्म से संबंधित है ना।
खेल पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2019 है ना, इस बार के दिए गए आपके बजरंग पुनिया को कुश्ती के लिए और दीपा मलिक को पैरा एथलेटिक के लिए है ना। अब आईसीसी के वार्षिक पुरस्कार है, एम्पायर ऑफ द ईयर रिचर्ड एलिंगवर्थ को, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा को, 2019 स्प्रिट ऑफ द ईयर विराट कोहली को, T20 परफॉर्मेंस द ईयर दीपक चाहर को और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पैट कमिंस को है ना। ये आईसीसी के आपके पुरस्कार है। तो लगभग यहां पर 43 पुरस्कारों की मैंने आपसे चर्चा की, 43 पुरस्कार यहां पे जो है हमारे लिए जरूरी है। अगर हम लोग देखें तो बहुत ब्रीफ में करके हम लोगों ने इसको भेजा है, एक बार आप भी इसकी रीडिंग करें। कल मैं एक अगले एपिसोड खेल के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूंगा और रटलो श्रृंखला के माध्यम से यही जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसकी प्रैक्टिस लगातार चलती रहेगी। आज इस एपिसोड में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।